अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? सब ठीक ठाक? बहुत अच्छी बात है। आ जाओ भाई, आ जाओ, कहानी का वक्त हो गया। सुनो कहानी, कहानी आंटी से। और आज की कहानी कुछ ऐसी है कि बस क्या बताऊँ, ऐसा वक्त एक मुझ पर भी गुजरा है, आप समझ जाएंगे। इस कहानी के मुसन्निफीन हैं ज़ोया ढाकम और ज़हरा नासिर, और मुसव्विरा हैं नेहा करीम। अब्बू की प्यारी पुरानी गाड़ी, समझ गए ना? अब्बू जान के पास एक गाड़ी थी जो उनको बेहद प्यारी थी। ये उनके पास 15 सालों से थी और अब तो इसका बुरा हाल हो गया था। रंग से ज्यादा जंग नजर आता था और इंजन चलाने पर इतनी फट फट खट खट कि सभी इससे तंग आ गए थे। सब अब्बू से जिद करते थे, अब तो नई गाड़ी ले लें, इसका तो कभी टायर पंक्चर हो जाता है तो कभी हॉर्न खराब। लेकिन वो तो किसी की ना सुनते। इस गाड़ी ने 15 साल मेरा साथ दिया है, चाहे बारिश हो या सर्दी, खुशी हो या गम, हमने साथ साथ पूरा शहर घूमा है, मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब्बू से बहस तो कोई ना कर सका, लेकिन शिकायतें भी खत्म नहीं हुई। मैं इसमें बैठकर काम पर हरगिज नहीं जाऊंगी, अम्मी ने कहा। मैं भी इसमें हरगिज स्कूल नहीं जाऊंगी, समन बोली। फिर एक दिन अचानक दादी जान की तबीयत बहुत खराब हो गई। इनको तो जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा, कोई ट्रांसपोर्ट ढूंढो। लेकिन सड़क बिल्कुल खाली पड़ी थी। आज शहर में गैस की कमी है, किसी ने आगाह किया, इसलिए कोई रिक्शा टैक्सी नहीं चल रहा। हमें एम्बुलेंस भेज दें, अम्मी ने अस्पताल फोन किया। शहर की दूसरी तरफ कोई हादसा हो गया है, अभी सारी एम्बुलेंस वहां मसरूफ हैं। अब हम क्या करें? उसी वक्त अब्बू घर पहुंचे। अरे अब्बू की गाड़ी! पैर दिखाया पुरानी गाड़ी ने अपना कमाल, फट फट ठक ठक तो की, लेकिन पूरा रास्ता बहुत आराम से पार कर लिया और दादी को अस्पताल पहुंचा दिया। दादी का इलाज भी हो गया और सबकी परेशानी भी दूर हो गई। इस तरह सबको एहसास हो गया कि जो पुराना होता है वही खजाना होता है। क्या ख्याल है? अगर आपको लगती हैं हमारी कहानियाँ अच्छी और आप सुनना चाहते हैं और नई नई मज़ेदार कहानियाँ, तो फिर आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब का बटन क्लिक। तो कीजिए,